हिंदू कैलेंडर का चौथा महीना अषाढ़ होता है। साल 2023 में अषाढ़ महीने की शुरुआत 5 जून से हो रही है और अषाढ़ शुक्ल पक्ष माह की पूर्णिमा 3 जुलाई तक रहेगा। शास्त्रों के अनुसार हिंदू धर्म में अषाढ़ महीने का विशेष महत्व बताया गया है। अषाढ़ के महीने में भगवान विष्णु के निमित्त पूजा पाठ हवन आदि करने का विशेष महत्व है। वहीं इस महीने में गुरु पूर्णिमा का भी विशेष महत्व बताया गया है। इन सभी जानकारियों को लेकर हमने ज्योतिष आचार्य शशांक शेखर शर्मा से बातचीत की। उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनिए। आषाढ़ मास बहुत महत्वपूर्ण मास होता है। कुछ लोगों का मानना है कि ये महीना शुभ मुहूर्त नहीं देता गृह प्रवेश के या फिर अन्य शुभ कार्यों के लिए, तो इसको इतना शुभ नहीं माना जाता। लेकिन आषाढ़ मास की अपनी महत्ता है शास्त्रों में। दक्षिण भारत में जगन्नाथपुरी की जो रथ यात्रा निकलती है वो आषाढ़ मास में ही निकलती है। इससे आगे शयनि एकादशी होती है जो शुक्ल पक्ष की ही एकादशी होती है। भगवान विष्णु जी के लिए इसमें व्रत रखा जाता है और ऐसा माना जाता है कि इस दिन देवता जो हैं वो शयन के लिए चले जाते हैं। शयनि एकादशी इसको इसलिए बोलते हैं। और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने का इसमें बहुत विशेष लाभ बताया गया है। यदि हम समृद्धि के तौर पर बात करें, हमारे परिवार में समृद्धि नहीं है या हमारे परिवार में कोई गृह क्लेश चल रहा है जो काफ़ी समय से चल रहा है, तो ये एक साल भर में एक ऐसा व्रत आता है जिसको करना चाहिए। शयनि एकादशी या कुछ लोग इसको आषाढ़ी एकादशी भी बोलते हैं, इसका व्रत आपको करना चाहिए। इससे आगे गुरु पूर्णिमा आती है। गुरु पूर्णिमा का अपना महत्व है। सभी लोग गुरु के लिए इस व्रत को करते हैं। गुरु पूर्णिमा इस वर्ष जो आने वाली है वो जुलाई में आएगी। आषाढ़ मास जुलाई तक रहेगा। तो गुरु पूर्णिमा पर एक विशेष उपाय जो आषाढ़ मास में किया जा सकता है धन की प्राप्ति के लिए, आर्थिक लाभ के लिए, वो ये है कि आपको अपने गुरु को अपने से जो भी बनता है, आपकी जो कमाई है उससे जो भी आपका एक कमाई का हिस्से में से निकाल कर कुछ आपको उनको देना है जो वो उपयोग कर सकें, यूज़ कर सकें। दूसरी बात, जिन लोगों को आर्थिक रूप से समस्या चल रही है उनको इस दिन गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु को प्रणाम करके श्री सूक्तम के पाठ करने चाहिए। और श्री सूक्तम के 16 मंत्रों का पाठ है। प्रत्येक मंत्र पर आप घी की आहुति दें और इस मंत्र का पाठ करें तो गुरु पूर्णिमा के दिन आपको आर्थिक लाभ जरूर मिलता है। सूर्य आषाढ़ मास में मिथुन राशि में रहते हैं और मिथुन राशि वालों के लिए ये विशेष लाभकारी होते हैं, क्योंकि मिथुन राशि में सूर्य का आना ये दिखाता है कि जो आपकी मेहनत है वो सफल हो रही है। विशेषकर मिथुन राशि वाले जो लोग हैं वो काफ़ी समय से मेहनत करते हैं, उनके लिए ये महीना उनको अपने कार्य को सफल देने वाला या उनके कार्य के लिए जो फल मिलने वाला है उसका होता है। हिंदू धर्म में आषाढ़ का महीना विशेष बताया गया है। इस महीने में पूजा पाठ हवन आदि करने का विशेष महत्व है, यानी ये महीना भगवान विष्णु को समर्पित होता है। इस महीने में भगवान विष्णु के निमित्त कार्य करने का विशेष महत्व है। ओम प्रयास, न्यूज 18, हरिद्वार।